नाउ देखिए, मीडिया ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब आप कमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, ब्लॉग में किसी ने आपने कमेंट किया, यूट्यूब में आपने कमेंट किया, तो क्या होता है, आपके एक यहाँ पर डीपी दिखता है, प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, और उसके बाद में आपका नाम दिखता है, और फिर आपका कमेंट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मीडिया ऑब्जेक्ट का। तो ये भी आप काफ़ी आसानी से रो से बना सकते हो, रो क्रिएट कर लो और यहाँ पे हो गया, कॉल वन कर दो और बाकी में ये आ गया। लेकिन इसमें भी आपको क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर इसका यूज़ करते हो डायरेक्ट, आपने क्लास एक मीडिया अप्लाई किया, एक इमेज अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर आप देखो डिव क्रिएट किया, मीडिया बॉडी, मीडिया बॉडी में हेडिंग क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर आपने टेक्स्ट डाल दिया, तो बहुत आसानी से ये यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया हुआ है, मीडिया डॉट एस टी एम एल, यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने इस पर क्लास अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इस पर क्लास अप्लाई किया, मैंने इस पर कहा P4M4 मार्जिन और पैडिंग के लिए। इसके अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट किया जिसमें मैंने मीडिया क्रिएट किया, मीडिया क्लास मीडिया अप्लाई किया। इसके बाद है इमेज अप्लाई करना है यहाँ पर, तो इमेज SRC के लिए मैं एक इमेज लॉरम पिक्सम से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर कॉपी किया। तो जो इमेज है इसका जो साइज़ है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा रहेगा, तो मैं 64x64 का रख सकता हूँ, ठीक है, ये छोटा इमेज चाहिए क्योंकि इमेज प्रोफाइल पिक्चर है। इसके बाद हमने किया मीडिया बॉडी, मीडिया बॉडी में क्या है, यहाँ पर हमने एक मीडिया हेडिंग रखा हुआ, मतलब मेरा नाम यहाँ पे दिखेगा और जो भी मैंने कमेंट किया हुआ वो मुझे दिखेगा। मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र पटेल, ठीक है, और यहाँ पर MT0 इसलिए क्योंकि जो टॉप है, टॉप से इन्होंने मार्जिन ज़ीरो किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ये आ गया है, ये इमेज दिख रही है, और यहाँ पर ये नेम और उसका DP, ठीक है, इमेज चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, हमने ID को चेंज किया, तो अभी देखोगे ये इमेज आ गया। अब इस इमेज को अगर राउंड करना है, ठीक है, तो इसमें जो इमेज की जो क्लासेस थी वो आप इमेज में अप्लाई कर सकते हो, जैसे MR3 है, MR3 मतलब राइट से 3 का यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ है। अब अगर इमेज को राउंड करना है तो मैं इसमें राउंडेड क्लास अप्लाई करूँगा, तो आप देखोगे जो कोने हैं वो राउंडेड होगा, लेकिन सर्कल्ड करना है तो मैं इसमें राउंडेड सर्कल का यूज़ कर सकता हूँ, राउंडेड सर्कल, तो ये जो इमेज है वो राउंडेड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन को आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने क्रिएट की उसमें। नाउ नेस्टेड कमेंट में कैसे करना, तो नेस्टेड में क्या है, सेम चीज़ है, यहाँ पर मीडिया क्रिएट किया है और इमेज रखा और मीडिया बॉडी रखा। नाउ इस मीडिया बॉडी के अंदर अगेन एक और मीडिया क्रिएट कर दिया, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर काम करेगी। जैसे ये मीडिया, इसी को मैं अगेन कॉपी कर लूँ, ये सेम पूरा मैंने कॉपी किया और इस मीडिया के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इमेज को मैं चेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये अंदर तो बना है, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं रखना, जो मीडिया है इसके साथ हमको एक और क्लास अप्लाई करनी है यहाँ पर, ये MT3 अप्लाई करना है, ठीक है, MT3। और ये जो मीडिया बॉडी थी, मीडिया बॉडी के अंदर आपको इसे क्रिएट करना है। जैसे अभी देखोगे मीडिया बॉडी के अंदर नहीं है, ये मीडिया बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो मैंने इसको किया यहाँ से कट किया, और ये जो मीडिया बॉडी है इस बॉडी के अंदर मुझे इसे रखना है, तो ये हो गया, इसके अंदर हो गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इसलिए यहाँ पर मीडिया के साथ MT3 का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ताकि ऊपर से थोड़ा सा गैप हो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर गैप आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए एक और क्रिएट करना है, तो सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला जो मीडिया बॉडी है इस बॉडी के अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा, और इमेज को चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर। तो अभी आप देखोगे इसके अंदर ये एक और यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो ये हो गए नेस्टेड मीडिया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पर हम, तो टॉप अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर आप क्लास अलाइन कर सकते हो, अलाइन सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अलाइनमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अलाइनमेंट किया हुआ है, जो इमेज है इसका अलाइनमेंट है एंड में, तो ये इमेज जो है नीचे आ चुकी। ऑर्डर अगर चेंज करना है तो यहाँ पर आप ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हो, जो इमेज है इमेज को बाद में ऐड करेंगे तो इमेज हमको लास्ट में दिखने लगी, तो पहले बॉडी क्रिएट कर दिया, बाद में इमेज क्रिएट कर दिया, तो इमेज बाद में दिखने लगी। मान लीजिए बीच वाला, इसकी इमेज मुझे लास्ट में दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इमेज है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, और जहाँ पे मीडिया बॉडी एंड हुआ है, इस मीडिया बॉडी के एंड में इसे ऐड करूँगा, तो ये जो इमेज है वो हमको लास्ट में शो होने लगी, ठीक है। तो बस ऑर्डर आपने चेंज कर दिया। नाउ यहाँ पर देखो मीडिया लिस्ट, तो मीडिया लिस्ट में क्या होगा कि जैसे ही देखोगे एक के बाद एक हमको दिख रहे हैं, तो एक UL क्रिएट किया, अनस्टाइल्ड लिस्ट क्रिएट किया, और लिस्ट के अंदर
एल आई क्रिएट किया और अभी डिफ क्रिएट कर रहे थे, अभी इनने क्या किया एल आई क्रिएट करके जो क्लासेस थी सेम चीज़ अप्लाई की है, बस उसको एल आई में रखा है। तो इस तरह से लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये एक मीडिया ऑब्जेक्ट, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और टॉप पे मैंने लिस्ट क्रिएट करना, तो मैंने एक यू एल क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने एक एल आई क्रिएट किया। एल आई क्रिएट नहीं करते हैं इसको, यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको पेस्ट करूँगा। तो ये जो डिव है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एल आई में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो है सब कुछ रिमूव करूँगा मैं यहाँ से, ये सारी चीज़ें, ये भी, और इसको मैंने कट किया, टॉप पे ऐड किया, सेव किया। तो अभी देखोगे सही है, कोई भी डिब एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये वाला जो डिब है मुझे इसे एल आई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट आइटम, सेव किया। तो अभी आप देखोगे टॉप पे एक आइटम आया है, अब लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ तो और मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, तो ये देखो ये लिस्ट क्रिएट हो गए हैं। नाउ लिस्ट की जो क्लासेस हैं वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लास अप्लाई किया, मैंने उसको कहा लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप अप्लाई किया, और ये जो लिस्ट आइटम्स हैं इन पे भी आप लिस्ट ग्रुप आइटम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा लिस्ट ग्रुप आइटम एंड देन इसको कॉपी करेंगे, सेव किया। तो यहाँ पर देखोगे ये जो बाउंड्री है इसमें बाउंड्री आ चुकी है। ठीक है, लेकिन जनरली जो कमेंट्स हैं वो आप इसी स्टाइल में दिखाते हो, तो लिस्ट में जो लिस्ट ग्रुप आइटम्स हैं वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इसका जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे बिगड़ गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा लिस्ट ग्रुप आइटम को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। उसमें रो और कॉलम का जो यूज़ करके आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मीडिया ऑब्जेक्ट्स।